राजधानी पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार में हालात अभी ठीक हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के रोकथाम के लिए काम कर रहा है। उन्होंने जनता से भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। यही नहीं, संजय जायसवाल ने बंगाल चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा करते हुए ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी धर्म के नाम पर वोट मांगती है। हाँ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं और विरोधी दलों की जहां सरकारें हैं महाराष्ट्र पंजाब छत्तीसगढ़ की बात उनको जरूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं, तो हमें उस पर कुछ नहीं। संविधान को मानिएगा नहीं, संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, तो वहीं सूबे की नीतीश सरकार लगातार जनता से कोरोना के रोकथाम को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील कर रही। बावजूद इसके सूबे में कोरोना के एक्टिव मामलों में काफी वृद्धि हुई है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना विस्फोट हो चुका है, लेकिन सरकार इस ओर कोई काम नहीं कर रहा। बिहार सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही रांची में स्वास्थ्य विभाग के लाचार सिस्टम के सामने हजारीबाग के पवन गुप्ता ने दम तोड़ दिया। घटना रांची के सदर अस्पताल की है। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय एक कोरोना संक्रमित का हजारीबाग के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब उनकी तबियत में सुधार नहीं हुआ तो परिजन मंगलवार को निजी एम्बुलेंस से लादकर रांची पहुंचे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पदावासी में परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच परिजनों की नजर सदर अस्पताल में कोविड व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पड़ गई। फिर क्या था, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने कहा कि जब वोट की बारी आती है तो नेताओं को जनता की याद आती है, लेकिन जब जनता दिक्कत में होती है तो नेता सब कुछ भूल जाते हैं। मृतक की बेटी चीख चीख कर कह रही थी कि क्या स्वास्थ्य मंत्री उसके पिता को वापस ला सकते हैं।